हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। लौकी के लिए मैंने देखिए 1 किलो की लौकी ली है। अब इसको हम अच्छे से छील लेते हैं। आप लौकी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। आप जो 300 ग्राम लौकी है हमारी, इसको अच्छे से हमने छील लिया है इसे। और जो हमने छीलने के बाद इसे जो अंदर का जो पल्प होता है वो हमें लौकी का निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारी लौकी के जो पल्प है अंदर का सारा निकाल लेते हैं। मैंने निकालने के बाद अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है। वैसे हमें बारीक बिल्कुल किस लेना है इसे। आप जितना हो सके जितना बारीक ही आप किस हैं। देखिए मैंने लौकी को किस लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी हम दबाते हुए इस पानी को हम निकाल लेते हैं। हमें पानी को अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। सारी लौकी को देखिए मैंने निचोड़ लिया है। इसे हम साइड में रख लेते हैं। जो इसका जो पानी निकला है तो आप चाहो तो आप फेंक भी सकते हैं, आप चाहो तो इसे ग्रेवी में भी यूज कर सकते हैं। अब लौकी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। आधी चम्मच डालेंगे हम जो हम हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे ये धनिया पाउडर। और जो लिया है मैंने 1 कटोरी लिया है मैंने बेसन। बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा सा हमें डालना है और हमें अच्छे से मिला लेना है। हमें बेसन को इकट्ठा नहीं डालना है, हमें बेसन को जितनी ही ज़रूरत पड़ेगी उतना हम बेसन ऐड कर लेते हैं। और सारे को हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हाथों को कर लेते हैं हम क्लीन। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के हाथों को चिकना कर लेते हैं। वो आपको कोफ्ते जितने छोटे या बड़े पसंद हो आप उतना इसमें से डो उठा लें और अच्छे से इस तरीके से कोफ्ता बना लें आप। जो गैस पर मैंने रख लिया था पहले से तेल गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम एक एक कोफ्ता हम बनाते जाएंगे और कढ़ाई में हम ऐड करते जाएंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे और दोनों साइड से अच्छे से उलट पुलट के हमें सेक लेना है बढ़िया सा कलर आने तक। आप स्लो आंच में ही सेकिएगा तभी हमारा जो कोफ्ता है वो अंदर तक सेक के तैयार होगा। देखिए बढ़िया सा कलर आ गया। मैंने बढ़िया से अच्छे से सेंक लिया है, देख सकते कितना बढ़िया कलर आया है। हम निकाल लेते हैं। अब से हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे हम तेल। हम इसमें तेल में हम डाल लेते हैं लहसुन और अदरक का जो कोटा हुआ हमें मोटा मोटा सा कूट लेना है। और साथ में डालेंगे 4 से 5 हम लौंग। 8 से 10 डालेंगे जी काली मिर्च। 2 डालेंगे हम जी तेज पत्ता। अब इन्हें हमें हल्का सा हमें सेंक लेना है। हमें हल्का सा कलर चेंज करना है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर हम डालेंगे मैंने जो 2 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है जो डाल लेते हैं और अच्छे से हमें चला लेना है। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर ही चेंज हमें करना है। देख सकते हैं आप हमारी प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है, इतना ही हमें पकाना है। जी 2 टमाटर को मैंने जी मैंने ग्रेट कर लिया है जी डाल लेते हैं और अच्छे से मिला लेना है हमें। टमाटर को अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर।
एक चम्मच लेंगे मिर्च पाउडर, और मसाले को हमें अच्छे से डालने के बाद मिला लेना है। आधे चम्मच लेंगे जी गरम मसाला, और गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें 4 से 5 मिनट तक हमें मसालों को पका लेना है। हमें मसालों को जब तक पकाना जब तक तेल अलग ना होने लगे मसाले का। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कितना बढ़िया कलर आया है हमारे मसाले का। देखिए तेल भी अलग होने लगा है, हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। तो इस टाइम पे हम डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। पानी मैंने 1.5 गिलास करीब डाला है, क्योंकि हमें ग्रेवी के लिए ज़्यादा पानी डालना है, कोफ्ते भी हमारे सोख करेंगे। वो अच्छे से हमें मिला लेना है, बढ़िया सा हमें उबाल आने देना है। बढ़िया सा उबाल आ गया है, इस टाइम पे हम डालेंगे जो कोफ्ते हमने बना के रख लिए थे, और गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम 4 से 5 मिनट तक हम कोफ्तों को हम पका लेते हैं। स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक। नमक को डालने के बाद अच्छे से हमें स्लो आंच में हमें पकाना है, ताकि जो हमारे कोफ्ते में हमारे जो ग्रेवी अच्छे से आ जाए। चार मिनट हो चुके हैं, देखिए सब्जी को पकते हुए, देखिए कितनी बड़ी है हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अभी आपको ये पतली लग रही होगी, थोड़ी सी ठंडी होगी, फिर आपको अच्छे से थिक होने लगेगी। अब हम लास्ट में डाल लेते हैं कुछ धनिया। धनिया को डालने के बाद मिला लेते हैं। लीजिए हमारी कोफ्ते की, लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके की लौकी के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।